क्या आप इस बात से परेशान हैं कि आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते? क्या आपकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही? आपकी दुकान का माल बिल्कुल भी नहीं बिकता? ग्राहक दुकान पर तो आता है लेकिन माल नहीं खरीदता। दुकान पर आपने हर तरह का सामान रखा हुआ है, आपकी दुकान पर सारी चीज अवेलेबल है, फिर भी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा। बहुत सारे साथियों के प्रश्न आ रहे हैं कि पंडित जी, हम अपनी दुकान पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने दुकान में बहुत पैसा लगाया हुआ है, हम दुकान पर पूरा लगन से पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी दुकान थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। साथियों, दुकान की बिक्री अगर नहीं बढ़ रही है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप आज के इस एपिसोड को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी दुकान कभी भी ग्राहकों से खाली नहीं रहेगी। मैं आपको वचन दिलवाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान पर ग्राहक आए, आपकी दुकान पर अच्छा माल बिके, आपकी दुकान पर धन की कोई कमी ना हो, तो इस एपिसोड में जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये आपने अगर कर ली तो आपकी दुकान कभी भी ग्राहकों से खाली नहीं रहेगी। बहुत सारे साथियों के मेल आए हुए थे कि पंडित जी, हमारी दुकान पर ग्राहक तो आता है और सामान लेता नहीं है, मोल भाव कर लेता है, सारी बात कर लेता है, लेकिन सामान खरीदने के टाइम कुछ ना कुछ ऐसा बहाना मार देता है कि सामान नहीं लेकर जाता। और जैसे अगर कभी सामान बिक भी जाता है तो हमारे साथ एक चीज हो रही है कि हमारा बिका हुआ माल बहुत जल्दी वापिस आ जाता है। इस चीज से हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हमें दुकान में कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, हमें कोई भी आशा की ऐसी किरण नहीं दिखाई दे रही है जिससे हमें लगे कि आने वाले टाइम में हमारी दुकान चल पाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। कई बार इंसान को परिश्रम करना पड़ता है, कई बार हमें सफलताओं के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमारे मन में विश्वास होगा, अगर हमारे मन में लगन है, अगर हमारे मन में भाव है, तो एक ना एक दिन हम सफलताओं को जरूर प्राप्त करेंगे। और अगर आज के टाइम में इस समय आपकी दुकान नहीं चल रही है तो मैं आपका भाई, आपका मित्र पंडित नितिन शास्त्री आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेकर के आऊंगा जिनको करने से आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। ऐसे ऐसे ज्योतिष के उपाय मैं आपको बताऊंगा जिनको करने से बहुत जल्दी आपकी दुकान की सेल खुलने लगेगी। तो चलिए, शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योरमोक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने एपिसोड के थंबनेल में देखा है कि दुकान खोलने से पहले एक बार बोल देना यह है, आपकी दुकान खूब चलेगी और दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी। दुकान में आ रही हर प्रकार की आपकी जो दिक्कत है वो दूर होगी और दुकान में भर भर के ग्राहक आना स्टार्ट हो जाएंगे। प्यारे बंधुजनों, आप बहुत सारे भक्त हमारे पास कमेंट करते हैं, अलग अलग तरह के उनके मन में परेशानियां चिंताएं होती हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो उपाय जिसे अगर आप करेंगे आपकी दुकान में ग्राहकों की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आपने जो है
किसी भी मंगलवार से शुरू करना है। मंगलवार की सुबह आप जब अपनी दुकान पर जाएंगे, दुकान का शटर उठाने से पहले अपने मुख से आपने एक बार बोलना है कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, सिर्फ एक बार बोलना है और उसके बाद अपनी दुकान का शटर आपने उठा देना है। मंगलवार से शुरू करके और लगातार आपने 43 दिन 43 डेज तक इस उपाय को बीच में बिना कोई दिन मिस किए निर्विरोध रूप से लगातार 43 दिन करना है। और अगर 43 दिन की इस चेन को एक बार आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जीवन में कभी भी, लाइफ में कभी भी आपकी दुकान में ग्राहकों की कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे साथी कमेंट करके पूछते हैं अगर दुकान का बंधन हो रखा है या दुकान पर नजर लगी हुई है या दुकान पर किसी ने कोई तंत्र किया है क्या, तब भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। बिल्कुल, चाहे आपकी दुकान पर कोई भी दोष बना हुआ है, अगर आप इस उपाय को करेंगे, इस उपाय के प्रभाव से हर वो दोष निस्तेज हो जाएगा जो आपकी दुकान पर बना हुआ था और तुरंत प्रभाव से आपकी दुकान में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगेगी, तुरंत प्रभाव से आपकी जो दुकान की बिक्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। सच्चे मन से और विश्वास से इस उपाय को आप कर दीजिए। किया गया उपाय सच्चे भाव से कभी भी खाली नहीं जाता। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त जन हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।